हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में एडवर्ब के बारे में पढ़े थे, उसका अगला पार्ट है और आज हम लोग उसके अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। अगला पार्ट है एडवर्ब का रिलेटिव एडवर्ब और दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़े, आज उसका दूसरा पार्ट रिलेटिव एडवर्ब है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब यह देखने से ही पता चल रहा है, रिलेटिव यानी रिलेशन यानी कि जोड़ने का जो काम करता है, रिलेशन उसमें स्थापित करता है। तो जैसे दो वाक्यों को, रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले नाउन की ओर संकेत करता है। दो वाक्यों को जोड़ने का यह काम करता है रिलेटिव एडवर्ब और अपने से पहले नाउन की ओर संकेत भी करता है। तीसरा चीज, इसमें टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को भी स्पष्ट करता है। दो वाक्यों के जोड़ने का काम करता है, नाउन्स की ओर संकेत करता है और तीसरा चीज टाइम यानी समय, स्थान, कारण और मैनर यानी कार्य करने की जो तरीका है उसको भी यह स्पष्ट करता है। जैसे आई नो द टाइम व्हेन ही कम हेयर, आई नो द टाइम व्हेन ही कम हेयर। तो यहाँ पर व्हेन जो है जोड़ने का काम किया और इसमें जो है टाइम यानी समय भी है और नाउन की तरफ संकेत करता है, यह नाउन की तरफ भी संकेत करता है। और इसमें जो शब्द होते हैं वे टाइम से संबंधित या स्थान से संबंधित या जो है जोड़ने का, जैसे व्हेन हो गया, इससे संबंधित भी यहाँ पर यह प्रयोग किया जाता है। दूसरा है टेल मी द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, टेल मी द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। यहाँ पर भी वेयर का काम दोनों वाक्यों को जोड़ने का हुआ है। जैसे यहाँ पर आई नो टाइम, आई नो द टाइम, एक यह वाक्य यह है, दूसरा ही कम हेयर। तो यह दो वाक्य थे जिनको जोड़ने का यह काम किया और यहाँ पर समय को भी दर्शाया गया है और दूसरा चीज स्थान को भी यह दर्शाता है, प्लेस को भी दर्शाता है। जैसे यहाँ पर हेयर है, हेयर प्लेस का सूचक है और टाइम जो है समय का सूचक हो गया। और तीसरा चीज जो है जिसको एडवर्ब कहते हैं यानी कि जो क्रिया की विशेषता यहाँ पर बतला रहा है वह है वेयर, जो नाउन से पहले भी प्रयुक्त हुआ है। और इनमें यही तीनों चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और यह अपने से पहले नाउन को, नाउन की ओर संकेत करता, अपने से पहले यानी कि आई जो नाउन है इसकी ओर संकेत करता है, नाउन या प्रोनाउन की ओर यह संकेत करता है। और तीसरा चीज इसमें स्थान, स्थान को भी दर्शाता है और इसी के साथ इसमें टाइम, प्लेस और रीजन तथा मैनर को भी स्पष्ट करता है। इसमें तीन वर्क होते हैं, तीन काम होते हैं, एडवर्ब की तरह वर्ब की विशेषता बतलाना। एडवर्ब जो है वह वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है। दूसरा चीज अपने पूर्ववर्ती नाउन के पहले संबंध भी प्रकट करता है, यह अपने जो पूर्ववर्ती नाउन है यानी कि यहाँ पर
वेन से पहले इसका पूर्ववर्ती नाउन, इसके पूर्व जो नाउन है आई, इसकी तरफ इसके इससे संबंध भी स्पष्ट करता है। और तीसरा चीज़ इसमें दो विभिन्न वाक्यों को मिलाता भी है, जोड़ता है, जैसे दो भिन्न वाक्य, जैसे आई नो द टाइम नो द टाइम, एक यह वाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा वाक्य है ही कम हेयर, ही कम हेयर, यह दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को यह व्हेन के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। तो यही चीज़ यह जो है सबसे पहले विशेषता प्रकट करता है वर्ब की, दूसरा इसका काम होता है अपने पूर्ववर्ती नाउन से संबंध प्रकट करना, और तीसरा इसका कार्य होता है यह दो वाक्यों को मिलाने का यानी जोड़ने का काम करता है। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसका अगला पार्ट है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव से आप भली बात परिचित हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होता है वह प्रश्न पूछने का ही काम करता है, और ये स्वाभाविक है, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने का ही काम करता है। तो क्रिया विशेषण में जो भी शब्द होते हैं वह व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। इसके जो विशेषण होते हैं, इसके क्रिया के जो विशेषण होते हैं वह व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के माध्यम से इनमें प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता है जा कहाँ रहा है, यानी कहाँ शब्द यहाँ क्रिया की विशेषता प्रकट की गई है। तो वेयर से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। दूसरा व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। व्हेन विल यू गो टू आगरा, यहाँ पर व्हेन के माध्यम से भी प्रश्न पूछा गया है, व्हेन विल यू गो टू आगरा। चौथा हाउ डिड ही पास, वह कैसे पास हो गया। तो यहाँ पर हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, यह सब प्रश्न पूछने का काम किया है इन वर्डों के माध्यम से। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न सूचक शब्द होते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, और यही प्रश्नवाचक शब्द क्रिया का विशेषता भी बतलाते हैं, यानी एडवर्ब भी होते हैं इंट्रोगेटिव के। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले वाक्य की क्रिया विशेषण यह प्रकट करता है, इसको लिखने से पहले इसकी पहचान कैसे की जाती है इसको ध्यान से समझिएगा। वाक्य की क्रिया विशेषण प्रकट करता है यानी वाक्य में जो भी क्रिया है उसकी यह विशेषता बतलाता है। दूसरा चीज, इन शब्द, ये शब्द जो होते हैं वाक्य के आरंभ में आते हैं, जब भी इनका प्रयोग किया जाता है यह वाक्य के आरंभ में आते हैं इंट्रोगेटिव में। तीसरा चीज, इन शब्दों से बनने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, ये भी आपको मालूम है पहले से ही कि जहाँ पर कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन का भी प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव साइन का भी प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। और चौथा, इसमें जो है नाउन नहीं आता है, इससे पहले जो है नाउन नहीं आता, यानी कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाई और हाउ, तो इनसे पहले कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें केवल ये सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह इसकी पहचान हो गई चौथी। और पांचवा चीज़, इन शब्दों का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं, इनका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है, साधारण वाक्यों में किया जाता है। हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, एडवर्ब
एडवर्ब का को हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन प्रकार होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े हैं सिंपल एडवर्ब के बारे में, आज हम लोग रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दो एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब जो होता है इसमें यह एडवर्ब दो उपवाक्यों के दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और दूसरी चीज यह नाउन की तरफ संकेत करता है, तीसरा इसमें टाइम प्लेस रीजन और मैनर भी दर्शाता है, इन चीज़ों को स्पष्ट करता है, जैसे आई नो द टाइम व्हेन ही कम हेयर। तो यहाँ पर जो है दो वाक्यों को भी जोड़ा है व्हेन के माध्यम से, तीसरा या दूसरा या नाउन को की तरफ संकेत किया है, और तीसरा इसमें टाइम और स्थान की तरफ इशारा भी करता है, यानी स्थान और टाइम को भी यहाँ दर्शाता है। इसमें तीन वर्क होते हैं, तीन कार्य होते हैं एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बतलाता है, दूसरा अपने पूर्ववर्ती नाउन के से जो है संबंध यह प्रकट करता है, तीसरा यह दो वाक्यों को मिलाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है प्रश्नवाचक विशेषण इसको हिंदी में बोला जाता है, यह प्रश्न पूछने का काम करता है। इनके प्रयोग जो होते हैं व्हेन वेयर व्हाई और हाउ के माध्यम से होता है, यानी कि इनका प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू सैड, व्हेन विल यू गो टू आगरा या हाउ डिड ही पास, इस प्रकार से हम इन वर्ड का प्रयोग करके हम इसको सेंटेंस को पूरा करते हैं। इनमें कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, जैसे वाक्य की क्रिया विशेषता, यह जो होते हैं वह वाक्य की क्रिया, वाक्य में जो भी क्रिया होती है उसकी यह विशेषता प्रकट करते हैं। दूसरा वाक्य के आरंभ में आते हैं, यानी कि इनको हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को। तीसरा इन शब्दों से बनने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। चौथा इसमें पहले नाउन की नाउन को नहीं लिखते हैं, जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को इसमें सबसे पहले लिखते हैं, उससे पहले हम नाउन को नहीं लिखते हैं। चौथा इन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा सिंपल सेंटेंस में यानी कि साधारण वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।